मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। सबसे पहले तो मैं तमाम ही हमारे नामा निगारों का, पत्रकारों का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने शॉर्ट टाइम नोटिस पर जो है हमारे बुलाने पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि शहर अज़ीज़ के हरदिल अज़ीज़ एमएलए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को आज सुबह सीने में दर्द की शिकायत पर मालेगांव शहर के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट गौरव ठाकरे के यहाँ पर, डॉक्टर गौरव ठाकरे के यहाँ पर चेकअप के लिए ले जाया गया। दौरान चेकअप उनकी डॉक्टर ने टूडी इको किया और उसके बाद एंजियोग्राफी का जो है सजेस्ट किया कि मुफ्ती साहब की एंजियोग्राफी भी करा ली जाए। एंजियोग्राफी करने के बाद जो उसकी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में मुफ्ती साहब जो तीन नसें हैं वो उसमें ब्लॉकेज पाया गया। दो नसें तकरीबन 80% ब्लॉक है और एक नस तकरीबन 90% ब्लॉक है। हम तमाम जिम्मेदारों ने और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के वहाँ पर मौजूद रिश्तेदारों ने और अहले खाना के हजरात ने मिलकर डॉक्टर साहब से मुफ्ती साहब की सेहत के बारे में गुफ्तगू की, मालूमात हासिल की। डॉक्टर के मुताबिक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो है वो सेहतमंद है, हशाश बशाश है, मेडिकली फिट है। उनके मुताबिक चूँकि मुफ्ती साहब को कई दिनों से डायबिटीज़ है और जो ब्लॉकेज है वो जंक्शन पर है, मुस्तकबिल में जब भी इसका इलाज किया जाएगा तो बाईपास के ज़रिए किया जाएगा। आज इसकी कोई इमरजेंसी सूरत हाल नहीं है कि मुफ्ती साहब का बाईपास किया जाए। तमाम रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स की राय आने के बाद जिम्मेदारान और अहले खाना ने ये तय किया कि आज के दिन मुफ्ती साहब को जो है डॉक्टर गौरव ठाकरे के यहाँ पर ही जेर इलाज रखा जाए, उनके सुपरविज़न में ही उनका ट्रीटमेंट आज के दिन हो और कल से जो भी मुफ्ती साहब की मेडिसिन्स है वो डॉक्टर गौरव ठाकरे के निगहदश्त में, उनकी निगरानी में एमडी डॉक्टर के ज़रिए उनका ट्रीटमेंट जो है घर से चालू रहेगा और मुफ्ती साहब, डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा चलने फिरने से मना किया है, स्ट्रेस लेने से मना किया है, ऐसा काम जिसमें ताकत लगे, कुव्वत लगे और उसका लोड जो है दिल पर पड़े उसमें सख्ती से चलने फिरने की जो है वो मनाही की गई है। मुफ्ती साहब यहाँ पर जो जलसे के ज़रिए तशहीर होगी, जो जलसे के ज़रिए प्रचार होगा, उस कैंपेनिंग में मुफ्ती साहब हिस्सा लेंगे। हर जलसे में यहाँ से लेकर जब तक जो है प्रचार की आखिरी तारीख है
उस दिन तक मुफ्ती इस्माइल साहब जो है वो तमाम जलसों में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जो खुसूसी मुलाकात उनकी होगी वो उनका नज़्म वो उसका प्रोग्राम तरतीब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मुफ्ती साहब की सेहत जो है वो कंट्रोल में है। आप लोगों की दुआओं के तुफैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से मुफ्ती साहब की सेहत का मामला जो है इत्मीनान बख्श है। मैं तमाम ही वर्करों से हमदर्दों से और मुहिब्बान मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से तमाम ही लोगों से ये गुजारिश करूंगा और बिलखुसूस हमारी माँ बहनों से कि वो मुफ्ती साहब की सेहत के लिए दुआ करें, उनकी हिफाजत के लिए दुआ करें। और वर्कर्स हजरात इस वक्त अपने जो है सब्र व ज़ब्त का मुजाहरा करें और जिस तरीके से हमारी इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है बिल्कुल उसी तरीके से पूरे शद्दोमत के साथ पूरी ताकत के साथ पूरे हौसले के साथ हमारी इलेक्शन तशहीर हमारी इलेक्शन कैंपेन को जारी रखे। यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का हर वर्कर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर वर्कर अपने आप में खुद उम्मीदवार है और हमें अपने लिए अपने उम्मीदवार के लिए उसकी गैर मौजूदगी में पूरे इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ मेहनत के साथ जो है हमारी तशहीर को बढ़ाना है। और जो लोग अपने अपने मकाम पर हैं और जो लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए उन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे। हम लोग पूरे वसूक के साथ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके इत्मीनान और यकीन के साथ जो मेडिकल रिपोर्ट्स है जितना हमें समझता है उसकी मालूमात लेने के बाद पूरे यकीन से ये बात कह रहे हैं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है वो अल्लाह के फजल करम से सेहतमंद है सेहत याब हैं। कल से वो हमारे दरमियान इंशाअल्लाह अज़ीज़ रहेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी जो है तशहीरी मुहिम का हिस्सा भी बनेंगे। आप लोग दुआएं कीजिए हौसला रखिए और सब जो है पूरी ताकत के साथ मुफ्ती साहब की हिम्मत बढ़ाइए हौसला बढ़ाइए उनका बाजू बनिए। और जैसा कि आपको डॉक्टर की हिदायत मालूम है उस पर अमल करते हुए आगे की इलेक्शन की तशहीरी मुहिम में हिस्सा लीजिए। मैं यहाँ पर मौजूद हमारे तमाम ही जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ हाज़रीन का।